नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरेली काली बरेली के यूजी के नए एडमिशन की प्रतिक्रिया। 2023-24 में लगभग पूरी हो चुकी है और काफी स्टूडेंट के यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रवेश है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ सीटें यहाँ पर बाकी हैं जिन पर प्रवेश चल रहे हैं, 18 तारीख उसकी लास्ट डेट रखी गई है। और जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर 2023-24 में एक नया एडमिशन ऑनलाइन प्रतिक्रिया के माध्यम से लिया, उन स्टूडेंट के ज्यादातर कमेंट मेरे पास ये आ रहे हैं कि सर अब हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने कब जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट साथ ले जाने पड़ेंगे और कब हमें आई कार्ड प्राप्त होगा, इसका क्या प्रोसेस है बताइए। तो फाइनली बरेली काली बरेली की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। जिन स्टूडेंट को यहां पर नया एडमिशन मिल चुका है बीए बीएससी बीकॉम में, वो स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो कब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं और कब आपको आई कार्ड प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी के लिए आपको बरेली कॉलेज का नोटिस रीड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं गूगल पे और गूगल पे साधारण से टाइप करेंगे बरेली कॉलेज। जैसे टाइप करेंगे बरेली कॉलेज, पहले नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी bcb.ac.in। तो फाइनली हम आ चुके हैं बरेली कॉलेज बरेली की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बरेली काली बरेली से रिलेटिव कोई भी एग्जाम इन्फॉर्मेशन है, कोई भी योजना है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी वो आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग रेगुलरली इस वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बरेली काली बरेली से रिलेटिव। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो फाइनली आज जो नोटिस जारी यहाँ पर हुआ है, तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक नोटिस चलता हुआ दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम ऑनलाइन प्रवेश प्रतिक्रिया के बाद डॉक्यूमेंट जमा करने के संबंध में आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ये नोटिस जारी किया है कि जिन्होंने यहाँ पर अपनी ऑनलाइन प्रतिक्रिया के माध्यम से एडमिशन लिया, ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ही लिया क्योंकि ऑनलाइन ही हुए थे, और वो स्टूडेंट यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाला नोटिस ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस यहाँ पे बरेली कॉलेज की तरफ से जारी किया है। और साथ में देखिएगा यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बीए बीएससी बीकॉम में प्रवेश की प्रतिक्रिया ऑनलाइन पूर्ण होने के पश्चात बरेली कॉलेज बरेली में कार्यालय काउंटर पर दिनांक 21 अगस्त 2023 को आपको जाना होगा। वहां पर आपको टीसी सीसी और साथ में आपने जो भी अपनी फीस जमा करी है वो फीस की रिसेप्ट, ये तीन डॉक्यूमेंट साथ में आपको ले जाने हैं और काउंटर पे जाके आपको सबमिट कर देने हैं। टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र यानी सीसी, ये दोनों चीजें आपको ओरिजिनल जमा करनी पड़ेंगी। और आपको फीस की रिसेप्ट जो आपको मिली है वो आपको यहाँ पर फोटोकॉपी को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आप ये तीन दस्तावेज को सबमिट करेंगे और वहां पे आपको आई कार्ड यानी प्रवेश पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर पूरी प्रतिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी जगह कोई और डॉक्यूमेंट जमा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इन्होंने यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो केवल आप लोग यहाँ पर अपना टीसी चरित्र प्रमाण पत्र और यहाँ पर आप अपने कॉलेज में जो भी एडमिशन लिया है ऑनलाइन प्रतिक्रिया के माध्यम से उसकी फीस की रिसेप्ट, ये तीन डॉक्यूमेंट 21 अगस्त 2023 को बरेली काली बरेली जाके आप लोग सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आई कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनली ये थी कुछ आज की अपडेट, इसी टॉपिक पे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। सबसे ज्यादा कमेंट इसी टॉपिक पे आ रहे थे कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया, अब हम डॉक्यूमेंट कैसे जमा करेंगे, वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने टाइम पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।